हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत दिए गए आपके सांख्यिकी के टॉपिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। और सांख्यिकी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था दोस्तों, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि सांख्यिकी है क्या। तो सांख्यिकी भाई साहब क्या थी, तो सांख्यिकी आंकड़ों या सम्मक या डाटा के व्यवस्थित रूप से एकत्रित करके उनके बारे में अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है, या सांख्यिकी के अंतर्गत ही उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ शब्द आया था आंकड़े। ये आंकड़े क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको सिरोही के कोरोना से संबंधित एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। और यही जो है क्या कहलाता है, संख्या ही क्या कहलाती है, आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े ऐसे आंकड़े जो कि व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं, यानी कि वह घर घर जाएगा या किसी प्रश्नों के माध्यम से पूछेगा या कोई फॉर्म फिल करवाएगा या आपसे किसी भी प्रकार से, मतलब वो खुद आकर के आपसे इंटरव्यू वगैरह ले रहा है उस टाइप से, तो ये तो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। फिर हमने बात करी थी द्वितीयक आंकड़ों के बारे में। तो देखिए द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जो पहले से एकत्रित किए हुए हो। जैसे कि मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए और उन्हें फिर मैं आगे पहुंचाऊं और उन्हें फिर जो है आपके पत्र पत्रिकाओं में या पुस्तकों में या कहीं पर अखबारों में वगैरह में प्रकाशित किए जाते हैं, तो वे आंकड़े क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अब इससे संबंधित। नेक्स्ट एक टर्म आती है दोस्तों आप लोगों के, प्रास। कौन सी शब्द आता है, प्रास। तो ये प्रास होती क्या है और ये प्रास होता क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो प्रास बेसिकली क्या है दोस्तों, जो हम पीछे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं वो एक प्रेक्षण कह सकते हैं हम उन्हें। तो हम सपोज करिए कोई प्रेक्षण कर रहे हैं और उस प्रेक्षण में जो संख्या लगातार प्राप्त हो रही है वो सपोज करिए 2, 3, 5, 10, 20, 40, 100, 110, 5, 6 इस प्रकार से ये कुछ संख्याएं प्राप्त हुई। ये हमने विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग करे उनसे प्रेक्षण सब करे हैं, उनसे हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई है। तो ये क्या है दोस्तों, आपके प्रेक्षण है। क्या है, प्रेक्षण है, ठीक है। अब प्रास का मतलब होता है कि प्रेक्षणों की अधिकतम मान, प्रेक्षणों का अधिकतम मान। तो आप लिख सकते हो प्रेक्षण का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अधिकतम मान माइनस उसका मिनिमम मान यानी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो प्रेक्षण का मैक्सिमम मान कितना है, 110। तो आप कितना लिखेंगे, 110 माइनस मिनिमम मान कितना आ रहा है, 2। तो आप 2 माइनस कर देंगे तो 108 जो है ये आप लोगों के क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रास। इसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेंज। तो क्या हो गई, प्रास या रेंज क्या होती है। तो जो हम विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण करते हैं उन प्रेक्षणों में जो वैल्यूज हमें प्राप्त होती है उसमें प्रेक्षण की अधिकतम मान में से जब हम उसके न्यूनतम प्रेक्षण के मान को माइनस कर देते हैं या घटाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है प्रास। तो प्रास हम किसी भी, जो भी हमारे प्रेक्षण है उनका कैसे निकालेंगे, किसी भी श्रेणी का, तो अधिकतम मान माइनस उस श्रेणी में दिए गए मानों में न्यूनतम मान, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसी से हमें जो है प्रास की वैल्यू पता चलेगी। तो प्रास क्या होता है ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। एक और टर्म आप लोगों के लिए उपयोगी है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए, और वह है बारंबारता। क्या है, बारंबारता। ये बारंबारता क्या होता है भाई, तो देखो बारंबारता का मतलब है, सीधा सा देखो इसका हिंदी अर्थ निकालो, बारंबारता, बारंबार, 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 यानी बार बार आने वाली संख्याएं। कि मतलब कोई संख्या रिपीट जो होती है ना, 2, 3 बार, 5 बार कोई संख्या रिपीट हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, बारंबारता। तो आपको जो श्रेणी दी जाती है, सपोज करिए मैंने जो प्रेक्षण दिए आप लोगों को, प्रेक्षणों की एक श्रेणी दी, उसमें मान जो है वो कौन कौन से हैं, तो वे मान है सपोज करिए 2, 3, 5, 6, 5, 2, 3, 5, 4, 3 इस प्रकार से, ये है प्रेक्षण। तो यहां बार बार कौन कौन से शब्द आ रहे हैं वो देखो अब, उसे ही कहते हैं बारंबारता। तो देखो 2 एक बार और ये दूसरी बार, फिर तो आपके देखिए यहां मैं लिख रहा हूं प्रेक्षण, ठीक है,
और यहां लिख रहा हूं बारंबारता, यानी कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो बारंबारता। ठीक है, अब देखिए प्रेक्षण कितने हैं, तो देखो प्रेक्षण में कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, दो तीन, एक सेकंड इस लाइन को मिटा दीजिए, मैं स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो तो ये लो भाई, अब थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये सारणी बनाइए और कुछ नहीं। अब देखो प्रेक्षण है दो तीन पाँच छ चार, ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। दो कितनी बार आ रहा है, तो दो बार आ रहा है। तीन कितनी बार आ रहा है, तो एक दो और तीन, तो कितनी बार आया, तीन बार। पांच कितनी बार आ रहा है, तो एक दो तीन चार, कितनी बार आया, चार बार। छह कितनी बार आ रहा है, तो आपके एक बार। चार कितनी बार आ रहा है, तो आपके एक बार। कोई संख्या बची क्या, नहीं। तो ये जो रिपीटेशन हुआ है ना, ये देखो संख्याओं का जो रिपीटेशन हुआ है, प्रेक्षण थे और ये थी बारंबारता। दो कितनी बार आया, दो बार, तीन तीन बार, चार पांच चार बार, छह एक बार, चार एक बार, तो यही कहलाता है बारंबारता। यानी कि कौन सी संख्या बार बार आई है, कितनी बार आई है, उसे ही कहा जाता है बारंबारता। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों आपके फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार संख्या रिपीट हो रही है उसे ही कहा जाता है बारंबारता। अब बारंबारता तो समझ में आ गई कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे प्रेक्षण दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है बताइए कौन सी संख्या बारंबारता, मतलब कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार बारंबारता हो रही है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, या किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है यहाँ पांच, तो इसकी सर्वाधिक बारंबारता है। ठीक है, इस टाइप के ये छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मैं रीट का क्वेश्चन भी आप लोगों को एक सॉल्व करवाऊंगा, जो कि लास्ट ईयर आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, यहीं से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, इसी टॉपिक से संबंधित करके। ठीक है, चलिए अब बारंबारता समझ में आया, लेकिन क्या आपको बारंबारता बटन क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी है? तो मुझे पता है कि आपको बारंबारता बटन के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आज क्या पढ़ा है, परास। परास क्या होता है, प्रेक्षणों के अधिकतम मान में से प्रेक्षणों का न्यूनतम मान, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि बारंबारता, बारंबारता क्या है, तो प्रेक्षण के अंतर्गत किसी संख्या का कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी बार वो आ रही है, उसे ही कहा जाता है बारंबारता। अब पढ़ता हूं मैं आगे, और अब आता है बारंबारता बटन। आप टॉपिक डालिए क्या दोस्तों, बारंबारता बटन। ठीक है, बारंबारता बटन, ये बारंबारता बटन क्या होता है सर? भाई देख, बारंबारता बटन जो है ये क्या होता है कि इस संख्या को जो हम पीछे बारंबारता के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा अलग अलग वे में किस प्रकार से, कैसे संख्या दे रखी हो, तो कैसे डिनोट किया जाता है, उसे ही बारंबारता बटन है और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली कहूं तो दोस्तों, बारंबारता बटन को एक ग्राफ के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से निरूपित करना है बारंबारता बटन में। और अगर बात समझाऊं तो कोई श्रेणी दे रखी हो, उसको बारंबारता के साथ जब हम लिख देते हैं, जो कि हम पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी, ये जो है ये ही क्या कहलाता है, बारंबारता बटन कहलाता है। ये जो हमने प्रेक्षण और बारंबारता उसका उसके सामने लिखी है ना, इसे ही हम कहते हैं क्या, तो उसे ही कहते हैं हम दोस्तों आपके बारंबारता बटन। ठीक है, अब बारंबारता बटन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक टाइप मैं यहां लिखूंगा और दूसरा टाइप यहां लिखूंगा। तो बारंबारता बटन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों आपके असतत या खंडित बारंबारता बटन। ठीक है, खंडित बारंबारता बटन, ये बात आपको याद रखनी है। और सेकेंड होते हैं दोस्तों आपके सतत बारंबारता बटन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे और एक बार हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, तो देखिए बारंबारता बटन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक है असतत या खंडित बारंबारता बटन, एक है सतत बारंबारता बटन।
मैं इन दोनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ और मैं यहाँ प्रेक्षण लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रेक्षण यानी जो अलग अलग संख्या है मैं प्राप्त हो रही है, और यहीं से क्वेश्चन उठा था आपके सतत बारंबारता से, जो लास्ट ईयर आपके रीट के पेपर में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो आपके यहीं से क्वेश्चन उठा है। मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा। प्रेक्षण सपोज करिए दोस्तों आपके हैं 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 10, 7, 7, 6, 9, 5, 6, ठीक है। अब देखो असतत या खंडित बारंबारता में क्या करते हैं, जो हम पीछे करके आए हैं, एक तरफ हम लिखेंगे प्रेक्षण और दूसरी ओर हम लिखेंगे उसकी बारंबारता यानी वह कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो प्रेक्षण देखिए कौन कौन सी संख्या आ रही है हमारे पास, एक आ रहा है 5, एक आ रही है 6, एक आ रहा है 7, एक आ रहा है 8, एक आ रहा है 9 और एक आया है 10। ये संख्या आई है, 5 कितनी बार आया है वो देखिए। तो 5 आया है 1, ये 2 और ये 3 बार, कितनी बार 3 बार। 6 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3 और ये 4, कितनी बार आया है 6, 4 बार। 7 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4। 8 कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक है। 9 कितनी बार आया है, 1 बार, और 10 भी कितनी बार है, एक एक बार है। ये तो हुआ दोस्तों हमने क्या करा कि खंडित रूप में, मतलब हमने क्या कर दिया कि प्रेक्षणों को जो दे जो दे रखे थे प्रेक्षण, वो हमने इंडिविजुअली लिख दिए और उनकी बारंबारता उनके सामने रिप्रेजेंट कर दी, यानी उनके सामने हमने लिख दी। इसे तो कहा जाता है असतत खंडित बारंबारता। क्या कहा जाता है, असतत खंडित बारंबारता कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझनी है, ठीक है, ये बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए सतत बारंबारता बटन क्या कहता है, असतत के बारे में तो बात हो गई कंप्लीट, अब बात करते हैं सतत बारंबारता बटन क्या कहता है उसके बारे में। सतत बारंबारता बटन में आप क्या करोगे कि एक 0 से स्टार्ट करो, चाहे आप कहीं से भी एक लिमिट लोगे कि हमने सपोज करिए प्रेक्षणों को और इधर हमने लिखा बारंबारता को, ठीक है। तो अब मैं इस सीरीज में क्या करूंगा कि एक तरफ तो मैं लिखूंगा दोस्तों आपके प्रेक्षण 0 से 10 के बीच वाले, फिर मैं लिखूंगा 20 से 30 वाले, फिर मैं सॉरी 10 से 20 और 20 से 30, डायरेक्ट गलत कर दिया, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट देखो। फिर एक तरफ मैं लिखूंगा ये 10 से 20 वाले, फिर मैं 20 से 30 वाले, अगर है तो इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन देखो कि अगर प्रेक्षण जो है 0 से 10 के बीच कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, लगभग कितने हैं देखो लो, ये 3, ये 3 6, ये की 7 और ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक ये आपका 14 है, ठीक है। तो एक सेकेंड आप इसको अभी 10 को हटा दीजिए, क्योंकि ये 10 आपको अभी मैं आगे समझाऊंगा कि ये 10 कहाँ जाएगा, अभी हमें समझ नहीं आएगा। तो इस 10 को अभी हम हटा देते हैं कि ये हमारे प्रेक्षण में नहीं है, ठीक है, अभी आगे लूंगा। तो हमने लिया कि 0 से 10 के बीच ही लगभग ये सभी संख्याएं आ गई है, तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो टोटल कितनी संख्या आएगी 13, बस यही तो क्वेश्चन था। तो कितनी 0 से 10 के बीच बारंबारता कितनी हो गई 13, बस आ गया। ये होता है सतत। अब इसकी जगह मैं कोई बड़ी संख्या और लेता, जैसे कि मैं अगर इसमें इंक्लूड करूं तो 15, 12, 13, 24, 25, ये 5 संख्याएं भी अगर इसमें इंक्लूड कर दी जाए, तो देखो 10 से 20 के बीच में 1, 2, 3, ठीक है, 20 से 30 के बीच में 2, बस इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो बारंबारता बटन क्या है भाई, प्रेक्षण और बारंबारता को साथ में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैंने प्रेक्षण कुछ लिख लिए थे 5, 6, 7, 8, 10, ये 6 इस प्रकार से, और उनको फिर मैंने असतत में भी समझाया और सतत में भी समझाया। असतत में क्या करोगे, आप प्रत्येक जो आपका दे रखा है ना प्रेक्षण, उस सबको लिखोगे और उसके सामने उसकी बारंबारता को लिखोगे। लेकिन
सतत बारंबारता बटन में क्या करोगे, एक लिमिट लोगे कि भाई 0 से 10, फिर 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, मतलब एक वर्ग बनाओगे। आप क्या करोगे, इन परीक्षणों का आप क्या करोगे, एक वर्ग बनाओगे। क्या बनाओगे, एक पैटर्न बनाओगे कि भाई इतने इतने के, इतने इतने के जोड़े हम बना रहे हैं, तो ये बन रहा है। तो 0 से 10 के बीच आने वाली संख्या कितनी थी, 13। 10 से 20 आने वाली संख्या कितनी थी, 3। 20 से 30 के बीच में आने वाली संख्या कितनी थी, 2। ठीक है, लेकिन मैंने अभी 10 हटाया है भाई। ये 10 क्यों हटाया मैंने, तो ये 10 इसलिए हटाया है क्योंकि सतत बारंबारता बटन में ये 10 कहां इंक्लूड होगा भाई। 10 देखो इसमें भी है, पहले वर्ग में भी, और 10 इस वर्ग में भी है, तो हमें 10 किस में इंक्लूड करना है ये कैसे पता चलेगा, इसमें इंक्लूड करूं या इसमें, मतलब यहां 14 करूं या यहां 4 करूं, ये बात हमें समझ नहीं आई। इसको हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो देखो सतत बारंबारता जो बटन है वह दो प्रकार के होते हैं, सतत बारंबारता बटन, और सतत बारंबारता बटन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक है दोस्तों आप लोगों का समावेशी, कौन सा है, समावेशी, जबकि एक है आप लोगों के अपवर्जी, कौन सा है, अपवर्जी, इंक्लूसिव और एक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, यानी कि अपने अंदर समाहित करने वाला, और अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव, यानी कि बाहर निकालने वाला। तो बस फर्क इतना है कि अगर आप लोगों के दोस्तों अपवर्जी है, क्या है, अपवर्जी है, तो आप 10 को उसमें इंक्लूड नहीं करोगे, और अगर एक्सक्लूसिव यानी आपका समावेशी है या इंक्लूसिव है तो आप उसमें समाहित करोगे। यानी कि मैं यहां समझाऊं तो वर्ग 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, और यहां पर भी वर्ग है आपका 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो अब यहां क्या बात याद रखनी है कि अगर समावेशी है तो ये 10 इसमें इंक्लूड होगा, और अगर ये अपवर्जी है तो ये 10 इसमें इंक्लूड होगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ गई, तो क्या करना है दोस्तों हमें अपवर्जी में, तो क्या करना है कि हमें 10 को जो है जो लोअर लिमिट है उसे इंक्लूड करना है, समावेशी में हमें क्या करना है, हायर लिमिट को इंक्लूड करना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी, अच्छे से क्लियर है अपवर्जी और समावेशी। ठीक है, पीछे वाली चीजें भी आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो समावेशी में आप क्या करते हो, बेसिकली देखो मैं आपको समझाता हूँ समावेशी, सॉरी एक सेकंड, हमारे शायद हाँ यहाँ पर ये जो वर्ग है ये हमने गलत बना लिए हैं, एक सेकंड, तभी मैं सोचूं कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, एक मिनट मैं अभी वापस लिखता हूँ। देखो ये एक सेकंड, ठीक है, ये देखो इसमें तो क्या होता है कि 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हम दोनों जगह इंक्लूड करते हैं, लेकिन समावेशी क्या होगा दोस्तों, आपके 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, फिर 11 से स्टार्ट करते हैं और 20 तक जाते हैं, फिर 21 से 30 आते हैं। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो समावेशी में आप क्या करोगे, उस 10 को इंक्लूड कर दोगे, यानी जो हायर लिमिट आ रही है उसे इंक्लूड कर दोगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो आपका लोअर लिमिट होगी उसको इंक्लूड किया जाएगा। डाउट क्लियर हो चुका होगा, अब मेरे भी समझ में आ चुका आपको, जो मैं मतलब पीछे हमारी से जो गलती हो रही थी जल्दी जल्दी में, वो अब आपके समझ में आ चुकी होगी। मैं वापस समझा देता हूँ पूरा पैटर्न, देखिए अपवर्जी में क्या होता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं वर्ग को, और 10, 20, 30 जितना डिफरेंस लेना उस हिसाब से हम आंकड़ों को देख करके ये डिफरेंस लिया जाता है, वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। फिर अपवर्जी में और समावेशी में क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं वर्ग को और एक लिमिट तक 10 तक लिया, तो फिर आगे वाली लिमिट उससे जस्ट 1 से आगे से स्टार्ट होती है, 1 आगे से, यानी कि 11 से स्टार्ट हो जाएगी और 20 आ जाएगी, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखो अब यहाँ पर अगर मैं 10 इंक्लूड होता तो मैं 10 कहाँ इंक्लूड करता, तो यहाँ पर तो 10 मेरा इसमें इंक्लूड होता, ठीक है, और यहाँ मेरा 10 इसमें इंक्लूड हो जाता,
बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो 10 कहाँ इंक्लूड होगा, 20 कहाँ इंक्लूड होगा, ये बात समझ में आ गई। अपवर्जी में तो जो लोअर लिमिट है उसको इंक्लूड करोगे, और समावेशी में जो हायर लिमिट है उसको इंक्लूड करोगे, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखो मैं एक बार आपको पूरा रिविजन करवा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। परास, तो परास के अंतर्गत मैंने बताया कि प्रेक्षणों का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से न्यूनतम मान को घटा दीजिए, आपको परास मिल जाएगी उस श्रेणी की, ठीक है। निकाल लोगे आप लोग इस प्रकार से, कोई श्रेणी दे दी जाए तो आपको पूछ लिया जाए इसका परास बताइए, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। नेक्स्ट हमने सीखा बारंबारता, बारंबारता यानी कि कोई संख्या बार बार कितनी बार आ रही है उसके बारे में, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ चुका होगा कितनी बार संख्या रिपीट हो रही है, आपको पूछ लिया जाता है कई बार कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, तो यहाँ 5 की थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा बारंबारता बटन, यानी कि बारंबारता के जो प्रेक्षण है उन प्रेक्षणों के साथ में अगर उसकी बारंबारता भी लिख दी जाए और एक सारणी बनाई जाती है उसे ही कहा जाता है बारंबारता बटन। ये दो प्रकार की होती है, असतत या खंडित बारंबारता बटन और सतत बारंबारता बटन। असतत या खंडित बारंबारता बटन में क्या होता है, प्रत्येक प्रेक्षण को लिखा जाता है और उसके सामने उसकी बारंबारता को हम लिखते हैं, जबकि सतत बारंबारता बटन में हम एक वर्ग बनाते हैं एक निश्चित मतलब डिफरेंस के साथ, यानी 10 का है तो भाई 10 संख्या स्टार्टिंग में, फिर 20, फिर ऐसे, ठीक है। तो एक मतलब फिक्स पैटर्न के हिसाब से हम वर्ग बनाते हैं, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ किस प्रकार से पैटर्न बनाया जाता है। जैसा आप जो है मैप बनाते समय पैमाना लेते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ वर्ग बनाना है। फिर हमने सीखा कि सतत बारंबारता बटन में अगर ऐसी संख्या आए जो हायर लिमिट है या लोअर लिमिट दो दो बार, जैसे अब देखो अपवर्जी में 10-10 दोनों जगह आ रहा था, तो हम 10 कहाँ पर इंक्लूड करेंगे भाई, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अपवर्जी में तो लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है और समावेशी में हायर लिमिट जो है उसे इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वर्ग की ये जो है क्या कहलाती है, हायर लिमिट यानी कि उच्च सीमा, और ये जो है ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। ये बात आप लोगों को अब समझ में आ चुकी होगी। तो आज तक के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल आप लोगों के सामने और क्वेश्चंस के साथ में, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, यहीं से क्वेश्चन आया था, ये समावेशी और अपवर्जी वाला जिसको कॉन्सेप्ट पता था वह क्वेश्चन उसको इजी वे में बहुत ही एक सेकंड का क्वेश्चन था उसके लिए, क्योंकि 4 सारणियां दे रखी थी और ऊपर प्रेक्षण दे रखा था और पूछा गया था बताइए कौन सा बारंबारता बटन सही है, तो वहां आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी था कि अपवर्जी क्या है और समावेशी क्या है, वहां पे वर्ग देख करके आपको पता चलता कि हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।